हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जानवी दवे फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भाट। इन अवर प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेटर, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर विच इज असेंबलर, इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर, फेजेस ऑफ कंपाइलर, कजिन्स ऑफ कंपाइलर, पासिस ऑफ कंपाइलर, फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलर। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी दैट इज़ लेक्सिकल एनालाइजर विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ फेजेस ऑफ कंपाइलर। बेसिकली हमें कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है वो ही पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट फेज जो था वो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने इनपुट बफरिंग वाला थ्योरी देखा था। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो देखा, कन्वर्जन फ्रॉम NF epsilon टू DFA देखा, DFA ऑप्टिमाइजेशन देखा। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट के अंदर भी देखी हुई थी, पर मैंने मेरे प्रीवियस सेशन के अंदर आपको ये चीज़ फिर से एक बार दिखाई थी कि कैसे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि तीन टाइप के कन्वर्जन है, वो तीनों टाइप के कन्वर्जन हमने TOC में देखे हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको एक कन्वर्जन NF epsilon टू DFA जो है वो पिछले सेशन में बताया था। उसके बाद हमने DFA ऑप्टिमाइजेशन देखा था। DFA ऑप्टिमाइजेशन इज़ नथिंग बट अ मिनिमाइजेशन ऑफ DFA जो हमने ऑलरेडी TOC सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो हमने TOC में पढ़ी हुई है, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन पे से DFA बनाना, रेगुलर एक्सप्रेशन पे से NF epsilon बनाना, कन्वर्जन ऑफ NF epsilon टू NFA, NF epsilon टू DFA एंड NFA टू DFA, ये तीनों के एग्जांपल्स, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। अगर आपको उन चीज़ों में पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको फिर से करवा दूँगी, जैसे हमने NF epsilon टू DFA तो किया हुआ ही है, और रेगुलर एक्सप्रेशन पे से NF epsilon कैसे बनाना है वो भी हमने किया हुआ है। तो इसके अलावा की जो चीज़ें थी जो हमने हमारे ये वाले सेमेस्टर में नहीं देखी है, वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड यूनिट विच इज़ पार्सिंग थ्योरी पार्ट वन। पार्सिंग इज़ नथिंग बट द सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का सेकेंड फेज हमारा था सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड फेज था सिमेंटिक एनालिसिस। तो हमारा जो सिंटैक्स एनालिसिस था वो हम कैसे परफॉर्म करवाएंगे, दैट इज़ आवर यूनिट थ्री विच इज़ पार्सिंग थ्योरी। हमने उस टाइम पर डिस्कस किया था कि सिंटैक्स एनालिसिस इज़ नथिंग बट अ पार्सिंग। तो पार्सिंग में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स को एज अ इनपुट पार्सर ले रहा था, और सिंटैक्स ट्री या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्स ट्री उसका आउटपुट होता था। तो बेसिकली हमें ये चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, तो फर्स्ट इज़ रोल ऑफ पार्सर। उसके बाद आता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ द फोर्थ यूनिट ऑफ थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसके अंदर हमने डेरिवेशन क्या है, एम्बिग्यूटी क्या है, लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग, उसके बाद हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में से स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग पे से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। एक्चुअल हमारा जो ये वाला यूनिट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सिंग। उसके बाद हमारे दो पार्सिंग की टाइप्स है, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। उसमें से टॉप डाउन पार्सर के अंदर जो पार्सिंग आता है वो है बैक ट्रैकिंग एंड LL1 और प्रिडिक्टिव पार्सर। तीसरा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ये तीनों पार्सर आप लोगों ने सिस्टम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर देखे हुए हैं, पर हम ये सेशन में इसे फिर से देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद ना हो या फिर किसी को डाउट हो तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप एक बार रिकॉल कर लो, आगे जाके देख लो कि क्या क्या हमने किया हुआ था, तो उसके बाद आप यहाँ पे जब ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है इसमें। इन आवर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ पार्सर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके अंदर डेरिवेशन एंड एम्बिग्यूटी क्या है। यहाँ तक ही हम आज के ये सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें हमारा जो सेशन है वो उसे एक एक टॉपिक तक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो आपका ये सेशन जो है वो मिक्स हो सकता है। इसलिए अभी हम एक सेशन में एक ही टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है
रोल ऑफ पार्सर। बेसिकली पार्सर का काम क्या है? तो पार्सर ऑब्टेन्स अ स्ट्रिंग ऑफ टोकन फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर एंड रिपोर्ट्स अ सिंटैक्स एरर इफ़ एनी, अदरवाइज जनरेट्स अ पार्स ट्री। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसका आउटपुट है स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स। वो टोकन्स को पार्सर जो है एज ए इनपुट लेगा और उसके अंदर अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो वो जनरेट करके एरर देगा या फिर वो आपको पार्स ट्री एज अ आउटपुट देगा। फिर वो पार्स ट्री आपका रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड मतलब रेस्ट ऑफ कंपाइलर फेजेस के अंदर चला जाएगा, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कोड मिल रहा है। अब पार्सर जो है वो दो टाइप के है, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज नथिंग बट अ क्वाड्रपल ऑफ वी सिग्मा एस एंड पी। सिग्मा को आप टी भी बोल सकते हो, वेर वी इज अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स और वेरिएबल्स जिसके अंदर आएंगे ऑल कैपिटल लेटर्स। उसके बाद आता है सिग्मा विच इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ टर्मिनल्स जिसके अंदर आता है ऑल स्मॉल लेटर्स, 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स, और उसके बाद जो आता है वो है सारा सिंबल्स। मान लो कि ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसिस है, हैशटैग का सिंबल, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे सिंबल्स हम टर्मिनल्स के अंदर मतलब कि सिग्मा सेट के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता है एस। एस इज़ नथिंग बट अ स्टार्टिंग सिंबल ऑफ योर प्रोडक्शन रूल, एंड पी इज़ अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल विच मेक्स अ ग्रामर। नीचे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ई एक्स पी आर टेंस टू एक्स पी आर ओ पी ई एक्स पी आर स्लैश ओपनिंग ब्रैकेट ई एक्स पी आर क्लोजिंग ब्रैकेट स्लैश माइनस ई एक्स पी आर स्लैश आई डी, और ओ पी टेंस टू प्लस स्लैश माइनस स्लैश मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन स्लैश पावर। यहाँ पे आपके टर्मिनल्स कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे आपके टर्मिनल्स है आई डी, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड पावर, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। आपके नॉन टर्मिनल्स है ई एक्स पी आर एंड ओ पी। एक चीज़ याद रखना, हमेशा नॉन टर्मिनल जो है वो स्मॉल कैपिटल लेटर्स में ही होंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ स्मॉल लेटर में दी है कि अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ कि जितने भी आपके कैपिटल लेटर्स होंगे, मान लो कि जितने भी आपके नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स होंगे, उन सब के लिए एक प्रोडक्शन रूल जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखो, ई एक्स पी आर के लिए एक प्रोडक्शन रूल है, ई एक्स पी आर के प्रोडक्शन रूल के अंदर ओ पी आता है, तो ओ पी के लिए भी एक प्रोडक्शन रूल है। तो जितने भी आपके नॉन टर्मिनल्स या फिर वेरिएबल्स होंगे, वो सारे नॉन टर्मिनल और वेरिएबल के लिए आपके पास हर एक के लिए प्रोडक्शन रूल होगा ही होगा। तो दूसरी एक चीज़ भी याद रखो कि कभी भी एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकता है कि स्मॉल लेटर्स का भी वेरिएबल बना के आपको दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्मॉल लेटर्स अगर आपके प्रोडक्शन रूल जनरेट कर रहे हैं तो उसे भी हम नॉन टर्मिनल या वेरिएबल बोल सकते हैं, पर जनरली वेरिएबल और नॉन टर्मिनल में कैपिटल लेटर्स ही आएंगे। उसके बाद आता है स्टार्टिंग सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल जो है वो क्या होगा, आपका ग्रामर कौन से सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ योर स्टार्टिंग सिंबल। मतलब यहाँ पे मेरा ग्रामर जो है वो ई एक्स पी आर से स्टार्ट हो रहा है, ई एक्स पी आर मेरा फर्स्ट सिंबल है, तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग सिंबल हो जाएगा ई एक्स पी आर। ये चीज़ हमने ऑलरेडी टी ओ सी में देखी हुई है, आपको इसमें पता नहीं चल रहा है तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेरिवेशन एंड एम्बिग्यूटी। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जब हमने थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में देखा था, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म है, फर्स्ट इज़ डेरिवेशन ट्री एंड सेकेंड इज़ सेंशेंशियल फॉर्म। मतलब हम उसे ट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और उसे ग्रामर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब डेरिवेशन क्या है? तो डेरिवेशन इज़ यूज टू फाइंड वेदर द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अ गिवन ग्रामर और नॉट। डेरिवेशन का यूज़ करके हमें पता चलेगा कि कोई स्ट्रिंग हम वो पर्टिकुलर ग्रामर पे से जनरेट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशन, फर्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड सेकेंड इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डब्ल्यू इन अ ग्रामर जी इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इफ़ एट एवरी स्टेप ऑफ लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड। आपके पास यहाँ पे एक ग्रामर है एस टू एस प्लस एस स्लैश एस माइनस एस स्लैश एस मल्टीप्लाई बाय एस स्लैश एस डिवाइडेड बाय एस स्लैश ए। यहाँ पे आपका
टर्मिनल जो है वो बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड स्मॉल ए, और आपका नॉन टर्मिनल जो है वो होगा कैपिटल एस। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग सिंबल भी हो जाएगा कैपिटल एस। अब आपको जो आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करवानी है विद द यूज़ ऑफ दिस ग्रामर इज ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आप किसको बोलोगे? सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ दी है दैट इज़ अ सेंटेंशियल फॉर्म ऑफ द ग्रामर, और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ दी है दैट इज़ अ डेरिवेशन ट्री ऑफ द ग्रामर। मतलब अगर आप उसको ग्रामर को प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में लिखोगे तो वो बनेगा आपका सेंटेंशियल फॉर्म, और ग्रामर को आप ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाओगे तो वो बन जाएगा आपका डेरिवेशन ट्री। अब हमें स्ट्रिंग जनरेट करवानी है ए स्टार ए माइनस ए विद द यूज़ ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि आपके ग्रामर के लेफ्ट सिंबल को सबसे पहले आपको रिप्लेस करके उसे टर्मिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका सबसे पहला लेफ्ट साइड का सिंबल टर्मिनल में कन्वर्ट होता है तो दैट इज़ योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और अगर आपका राइट हैंड साइड का सिंबल सबसे पहले कन्वर्ट होता है टर्मिनल में तो दैट इज़ योर राइट मोस्ट डेरिवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक रेड लाइन की हुई है, जैसे एस से हमने स्टार्ट किया है, एस को मैंने रिप्लेस किया है एस माइनस एस से, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रिंग में चाहिए ए स्टार ए माइनस ए, तो मैंने पहले एस माइनस एस को रिप्लेस किया एस माइनस एस से, फिर फर्स्ट वाले एस के नीचे मैंने लाइन की है तो उसका मतलब है कि वो एस को मैंने रिप्लेस किया एस मल्टीप्लाई बाय एस से, और पीछे का जो माइनस एस था उसे हमने एज इट इज़ रखा है। अब मेरा जो फर्स्ट एस था सेकेंड स्टेप में, देखो मैंने एस के नीचे लाइन की हुई है तो मैं मेरे फर्स्ट एस को रिप्लेस कर रही हूँ ए से, जैसे यहाँ पे ग्रामर दिया हुआ है एस टू ए, तो विद द यूज़ ऑफ दैट रूल मैं रिप्लेस कर रही हूँ एस को ए से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो टर्मिनल सिंबल मिला वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिला है, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुआ, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्मिनल सिंबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिला है। उसके बाद हमने सेकेंड एस को रिप्लेस किया ए से तो मुझे ए स्टार ए माइनस एस वाली स्ट्रिंग मिली। उसके बाद मैंने मेरे लास्ट एस को रिप्लेस किया अगेन ए से तो मेरी जो आउटपुट स्ट्रिंग थी वो मुझे मिल गई है दैट इज़ ए स्टार ए माइनस ए। तो ये एसेंशियल फॉर्म को हमने पार्स ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। देखो एस टू एस माइनस एस, फिर फर्स्ट एस को हमने रिप्लेस किया एस मल्टीप्लाई बाय एस से, फिर अगेन एस को हमने रिप्लेस किया ए से, ऐसे करते करते सारे एस को आप रिप्लेस करोगे तो आपको आपकी स्ट्रिंग मिल जाएगी। जब भी आप पार्स ट्री में से स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो आपको उसको लेफ्ट मोस्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए, दैट इज़ योर आउटपुट स्ट्रिंग। तो ये हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। उसके बाद आता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। द राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज़ नथिंग बट अ ग्रामर जी इज अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इफ़ एट एवरी स्टेप ऑफ द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड। मतलब आगे की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाली थियोरी में क्या था कि हमारा लेफ्ट सिंबल जो है वो सबसे पहले टर्मिनल में रिप्लेस होगा, और राइट मोस्ट डेरिवेशन की थियोरी है कि हमारा राइट साइड वाला सिंबल जो है वो सबसे पहले टर्मिनल में रिप्लेस होगा। ग्रामर सेम है, आउटपुट स्ट्रिंग भी सेम है। हमने किया क्या, आगे वाले ट्री में हमने फर्स्ट एस को पहले रिप्लेस किया था एस माइनस एस से, हम यहाँ पे एस को रिप्लेस करेंगे एस मल्टीप्लाई बाय एस से, और लास्ट वाले एस को हम रिप्लेस करेंगे एस माइनस एस से। तो अब मुझे जो स्ट्रिंग मिली वो है एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एस। अब मेरे लास्ट वाले एस को मैं रिप्लेस करूँगी ए से तो मुझे स्ट्रिंग मिल रही है एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। तो मुझे मेरा फर्स्ट टर्मिनल सिंबल जो है वो राइट मोस्ट साइड पे मिला है, तो इसीलिए हम ये वाले सेंटेंशियल फॉर्म को राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, और उसका यूज़ करके हम राइट मोस्ट डेरिवेशन पार्स ट्री जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज़ नथिंग बट द योर लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल इज़ फर्स्ट रिप्लेस्ड बाय द टर्मिनल, एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन इज़ नथिंग बट योर राइट साइड नॉन टर्मिनल इज़ फर्स्टली रिप्लेस्ड बाय द टर्मिनल। तो डेरिवेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो आपके एग्जाम में
आ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकते हैं या फिर आपको कोई एग्जांपल देके भी बोल सकते हैं कि ये राइट मोस्ट है कि लेफ्ट मोस्ट है, वो चेक करो। ये उसकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैंने एक ग्रामर दिया है, S2A1B A2 0A/epsilon। क्या है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, एप्सिलॉन इज़ नथिंग बट योर नल स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन का यूज़ कर रहे हैं। एंड B2 0B/1B/epsilon हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है 1001। इसके लिए हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग सिम्बॉल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग सिम्बॉल है S, तो S को मैं रिप्लेस करवाऊँगी A1B से। फिर हमें चाहिए क्या, 1001 चाहिए। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन परफॉर्म करवाना है इसलिए हमें सबसे पहले A को रिप्लेस करना पड़ेगा 1A से, सॉरी A को हम रिप्लेस करेंगे 0A से। उसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग मिलेगी हमें वो है 0A1B। तो ऐसे करते करते आप उसको रिप्लेस करते जाओ। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ गलत बताई है। अगर हम 0A से उसको रिप्लेस करेंगे तो हमें पहला सिंबल जो है वो 0 मिल जाएगा, पर हमें पहला सिंबल चाहिए हमारा 1। तो हम क्या कर सकते हैं, एस को A1B से रिप्लेस करो, फिर लास्ट वाले बी को हम रिप्लेस करेंगे किस से, 0B से। तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी S2A10B। उसके बाद अगेन हम रिप्लेस करेंगे बी को 0B से, तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी A100B। उसके बाद हम लास्ट वाले बी को अगेन रिप्लेस करेंगे 1B से, तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी A1001B। अब देखो यहाँ पे कि हमने सबसे पहले बी को रिप्लेस किया है, दैट डजंट मीन कि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन हो गया, क्योंकि अभी भी हमारे स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर में कैपिटल ए है और लास्ट लेटर में कैपिटल बी है। तो हमें सबसे पहले टर्मिनल किस साइड पे लाना है, लेफ्ट साइड पे लाना है, क्योंकि हमें ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है। तो हम सबसे पहले ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, तो मेरी स्ट्रिंग बनेगी 100B। उसके बाद मैं बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस करूँगी, देन आई कैन फाइंड आउट द 1001 आउटपुट स्ट्रिंग। तो हमने किया क्या, सबसे पहले रिप्लेस करके अपनी स्ट्रिंग तो ला दी, पर आगे और पीछे दोनों साइड पे अभी हमारे नॉन टर्मिनल तो थे ही। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल को एप्सिलॉन करोगे, और अगर आपको राइट मोस्ट डेरिवेशन चाहिए तो आपको आप राइट वाले नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना पड़ेगा एप्सिलॉन से। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। यहाँ पे दो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल अच्छे से देख लो, अच्छे से परफॉर्म कर लो। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में ये चीज़ मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद का हमारा आज का टॉपिक है एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, ये भी हम लोग TOC में पढ़ के आए हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या है। सबसे पहले एम्बिगुअस ग्रामर की अगर डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन है कि एम्बिगुअस ग्रामर इज़ नथिंग बट अ ग्रामर विथ सेम ग्रामर एंड सेम इनपुट स्ट्रिंग। अगर हम मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट करवा सकते हैं तो वो ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर बोल सकते हैं। एम्बिगुअस ग्रामर इज वन दैट प्रोड्यूस मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट और वन मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉर द सेम सेंटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ एम्बिगुअस ग्रामर। और वो प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी वहाँ पे है। यहाँ पे हमें ग्रामर दिया है S2S+S/S((a+a)/a और आपकी आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो है A+A*A। तो मुझे ये स्ट्रिंग लाने के लिए सबसे पहले हमने S को S से स्टार्ट किया, A+A*A हमें चाहिए, तो मैं S को रिप्लेस करवाऊंगी S*S से। फिर फर्स्ट वाला S को हमने रिप्लेस करवाया S+S से, तो हमारी स्ट्रिंग बनेगी S+S*S। उसके बाद हम सारे S को रिप्लेस करवा देंगे A से, तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी A+A*A, दैट इज़ द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगेन मैं आपको दूसरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का एग्जांपल, सेम एग्जांपल के लिए, सेम स्ट्रिंग के लिए दूसरा सेंटेंशियल फॉर्म दिखाती हूँ कि हमने एस को रिप्लेस किया S+S से, फिर हमने सेकेंड वाले एस को रिप्लेस किया S*S से, और तीनों एस को हमने रिप्लेस किया A से। तो हमें फॉर दी सेम स्ट्रिंग एंड सेम ग्रामर हमें दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाले पार्स ट्री मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर की एम्बिग्यूटी रिप्रेजेंट कर रही है।
तो हम ये जो ग्रामर है उसे एम्बिग्यूअस ग्रामर बोल सकते हैं, क्योंकि दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर दी सेम स्ट्रिंग एंड सेम ग्रामर जनरेट हो रहे हैं, तो ये ग्रामर जो है एम्बिग्यूटी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एम्बिग्यूटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, बाय री राइटिंग द ग्रामर वी कैन सॉल्व द एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी क्या है वो अच्छे से देख लो, एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होता है वो अच्छे से समझ लो। इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में आपको कोई भी ग्रामर देके बोल सकते हैं कि ये ग्रामर एम्बिग्यूस है कि नहीं, वो एक्सप्लेन करो। और आपको विद द टू लेफ्ट मोस्ट पार्सट्री या राइट मोस्ट पार्सट्री आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके दिखानी पड़ेगी। तो ये 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल अच्छे से घर पे सॉल्व करो। नहीं पता चल रहा है तो हम हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग, जो ऑलरेडी हमने हमारे पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है, मतलब कि TOC में पढ़ा हुआ है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। पर हम इसके एल्गोरिदम के ऊपर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम इसके रूल से देख लेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाई थी कि पार्सर के दो टाइप है, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। तो मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि 4 तरीके के प्रॉब्लम्स है टॉप डाउन पार्सर के। टॉप डाउन पार्सर है वो 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट इज़ बैक ट्रैकिंग, सेकेंड इज़ लेफ्ट रिकर्जन, थर्ड इज़ लेफ्ट फैक्टरिंग एंड फोर्थ इज़ एम्बिग्यूटी। हमने फोर्थ वाला प्रॉब्लम जो है वो देख लिया है यहाँ पे, एम्बिग्यूटी क्या है वो। बैक ट्रैकिंग जो है वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि टॉप डाउन पार्सर के कितने प्रॉब्लम्स है उसे एक्सप्लेन करो, तो आपको ये 4 प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने हैं। मैं आपको ये 4 टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ाने वाली हूँ, तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि ये चार टॉपिक जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टॉप डाउन पार्सर। तो आज के हमारे सेशन में हम यहाँ तक ही रखेंगे। ये एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर लो, और आपको मैं जितनी भी एक्सरसाइज दे रही हूँ वो सारी एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में लिख के गूगल क्लासरूम पे स्कैन कॉपी जो है वो भेजनी है, और मैं वहाँ से चेक कर लूँगी आपका। दिस इज़ योर असाइनमेंट। मैंने आगे एक असाइनमेंट भी शेयर किया हुआ है, वो असाइनमेंट जो है वो GTU मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला असाइनमेंट है, तो वो भी आपको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। और वो उसकी डेडलाइन मैंने दी हुई है, वो डेडलाइन से पहले आपको लिख के सबमिट करवाना है। ये सारी चीज़ें आप एक नोटबुक में लिखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर कुछ डाउट है इसमें तो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।